इस यूनिवर्स में जब पांच अद्भुत इवेंट्स और घटनाएं एक साथ घटती हैं, सिर्फ तभी आप विपश्यना में या कोर्स में जा पाते हैं, किसी भी कोर्स में, 10 डेज के या हायर कोर्स में भी। तो अगर आपको विपश्यना कोर्स करने का मौका मिल रहा है तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत किस्मत वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस। कुछ एक इन्फॉर्मेशंस जाने से पहले, नंबर वन कि ये एक मौन साधना है, तो जब आप वहां पर एंटर होंगे 10 दिन के कोर्स के लिए तो आपका पूरा बाहर से आउटसाइड कम्युनिकेशंस क्लोज कर दिया जाता है। क्या मतलब इसका कि आपका मोबाइल फोन वगैरह या आपकी कोई भी किताब वगैरह जो भी है वो सब बाहर रखवा ली जाएगी और आपको आपका बाहर से 10 दिन के लिए टोटल कट ऑफ हो जाएगा ताकि आप अपना ध्यान टोटली इनवर्ड फोकस कर सकें। पॉइंट नंबर टू, सिमिलरली जब 10 दिन आप कैंप के अंदर होंगे तो वहां कैंप के अंदर भी बोलना बिल्कुल मना है। सिर्फ अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रूम में कोई प्रॉब्लम है या टेक, तो उस समय आप बोल सकते हैं जो आपका सर्वर्स हैं उनसे, सेवादार से। या अगर आपको कोई टेक्निक के संबंध कोई प्रॉब्लम आती है तो दिन में आधा मिनट या एक मिनट मिलता है जिसमें आप टीचर से अपनी टेक्निक का समाधान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निक का, कोई फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं। नंबर थ्री, ये जो टेक्निक है ये मन को प्योरीफाई करने की टेक्निक है। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो सब हमारी मेंटल इम्प्योरिटीज के वजह से आते हैं। तो ये जो टेक्निक है इससे मन को प्योरीफाई करने का एक प्रोसेस है। अब ये नहीं है कि आप 10 दिन में जाएंगे सारी चीजें प्योरीफाई हो जाएंगी, बट इट इज अ वेरी फ्रूटफुल स्टेप, ये काफी लाभदायक स्टेप है जिसमें आपके मन के जो विकार है वो निकलते हैं और आप 10 दिन के बाद बहुत ही अच्छा फील करेंगे और जीवन जीने का भी आपको एक अच्छा तरीका मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि भाई हम बैठेंगे कैसे, तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहें घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आधा घंटे बैठने की रोज समथिंग। बट वहां पर जो पॉइंट है बैठने का, 10 से 12 घंटे की सिटिंग करीब रोज होती है, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि जो विपश्यना सेंटर्स में जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए अगर आपको बैठने की आदत नहीं भी है तो भी आप वहां जाके आराम से बैठ पाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। पांचवा पॉइंट मैं बोलूंगा कि जो खाने के संबंध में, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी, मेरे दिमाग में भी थी कि भाई द मोर यू ईट, जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना आप तंदुरुस्त बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और जो यहाँ पर खाना मिलता है आपको विपश्यना सेंटर्स में बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो मॉर्निंग में आपको हल्का ब्रेकफास्ट मिलता है 6:30 बजे या 7 बजे और उसके बाद 11 बजे आपको आपका खाना मिलेगा जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होगा, और शाम को आपको करीब 5 बजे या 5 बजे बेसिकली आपको बहुत हल्का सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तो उसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि 11 बजे के खाने को आप ओवरलोड मत कर लीजिए ये सोच के कि शाम को खाना नहीं मिलना, क्योंकि अगर आपने ओवरलोड कर लिया तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पूरी साधना के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। जो एसएन गोयनका जी का जो विपश्यना केंद्र है ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका में हो चाहे यूरोप में हो, हर जगह रहना खाना विद्या सब कुछ 100% फ्री है, और जो डोनेशन है वो ऑप्शनल है आपके अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे तो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने जिंदगी के 10 दिन तो दिए ही हैं मन को प्योरीफाई करने के लिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं।